राजधानी लखनऊ में आज वरिष्ठ चित्रकार उमेश कुमार सक्सेना की कलाकृतियों की प्रदर्शनी ताना बाना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन आशीष गोयल ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चित्रकार के द्वारा तमाम कल्पनाओं को कैनवस में उतारा गया है। कार्यक्रम की क्यूरेटर वंदना सहगल ने कहा कि आकाश से लेकर अनंत तक प्रदर्शनी में लगी कलाकृतियों में दिखाया गया है जिसे देखकर ही महसूस किया जा सकता है। जो युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं वो यहां आकर एक अच्छा अनुभव ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसका नाम ही ताना बाना है और उसी के अनुसार यहां पर पेंटिंग लगाई गई है जिसमें जीवन से जुड़ी हर ताने बाने को दर्शाने का प्रयास किया गया है। आज लखनऊ में श्री उमेश सक्सेना जी जो एक बहुत ही वरिष्ठ चित्रकार हैं, आर्टिस्ट हैं, एकेडमिशियन हैं, ताना बाना के नाम से उनकी एक आर्ट एग्जीबिशन लगी है। इसमें उनके द्वारा गोल कैनवस पे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स बनाई गई हैं और इनको देखकर वाकई में ऐसी अनुभूति है कि आप पेंटिंग्स के अंदर डूब जाइए और इसके अर्थ को, इनके मीनिंग को तलाश करते रहिए। वाकई में जो आपकी कला है, आपका जो टैलेंट है, वो न केवल दर्शकों को विस्मित करने वाला है बल्कि जो आर्ट स्टूडेंट्स हैं या आर्ट क्रिटिक्स हैं उनको भी अचंभे में डालने के लिए काफ़ी यहाँ पर पेंटिंग्स हैं और काफ़ी आर्ट है, टैलेंट है। कोई भी चित्रकारी का स्वरूप होता है वो एपरेंटली बहुत सिंपल होता है क्योंकि कलर्स होते हैं और कलर्स को समझना और अप्रिसिएट करना हर कोई आम आदमी भी जानता है और टेक्निकल आदमी भी जानता है। ये उमेश सर की पेंटिंग्स हैं और ही इज़ अ वेरी सीनियर आर्टिस्ट। उन्होंने बहुत डिफरेंस में काम किया है, पहले वो बहुत लेयर्स में काम करते थे, इस बार उन्होंने बिल्कुल जॉनर बदल दिया है और सर्कल्स क्या कैनवस लेके काम किया है उन्होंने। और ताना बाना हमने इसलिए नाम दिया बिकॉज उन्होंने थ्रेड्स किस जो दर्शाया है वो मोटे पतले थ्रेड्स दिखाए हैं, तो हो सकता है वो जीवन का प्रतिद्वंद भी हो सकता है, मस्तिष्क में जो चल रहता है वो हो सकता है अंतरिक्ष का जो एक व्योम है जो हमको पता है आधा आधा नहीं पता उसके बारे में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बिकॉज इट्स वेरी इंटेंजिबल व्हाट ही डिपिक्टेड इन हिज कैनवसेस एंड इट्स वेरी एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन उसको समझने के लिए मुझे लगता है ये पेंटिंग एक इंटरप्रिटेशन होती है और जो उसके सामने खड़ा होता है उसके मन में अपने आप कुछ कुछ ख्याल आते हैं उस पेंटिंग को देख के और वो उसको समझता है, अपने दिशा से समझता है। आई थिंक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि हर एक का इंटरप्रिटेशन अपना होता है, पर्सनल होता है, एंड इसको समझने के लिए बहुत बड़ा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। पिछले 50 सालों से मैं इस विधा में लगा हूँ और देश विदेश में कई मेरे हो चुके हैं, अब तक 37 शो में कर चुका हूँ देश में। और अभी जो मेरा ये नया काम है ये इसका टाइटल है ताना बाना, जो सीरीज इस ताना बाना, जो ताना बाना है उससे आपके कपड़े बन जाते हैं, तो ताना ही बाना है जो हमें जीवन में इधर से उधर चला रहा है। हम कहीं ना कहीं एक प्लान कर लेते हैं कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो उसकी सारी फेब्रिकेशन हम करने लगते हैं, तो ये वही ताना बाना है। इसमें आप देखिए ध्यान से तो बड़ी सारी फोर्स लाइन्स हैं, बड़े सारे आकार हैं, कई सारे फेसेस मिलेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप नेचर आपको दिखाई देगा, आपको फ्लावर्स दिखाई दे रहे होंगे, आपको एक नीचे ब्रह्मांड दिखाई दे रहा होगा, तो इस तरह के इसमें काम है।